अगर आप हमल के लिए ट्राई कर रही हैं और आपको ये 10 अलामात भी ज़ाहिर हो रहे हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हमल है वो ठहर गया है। तो आपने ये करना है कि अपने पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले से जैसे ही आपको ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, आपने ये गलतियाँ जो 5 गलतियाँ हैं वो आपने नहीं करनी है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, वरना आपका रुका हुआ हमल भी ज़ाया हो जाएगा। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर इदा अहमद हियर, वेलकम टू माई चैनल। तो वो 10 अलामात क्या हैं जिसके ज़रिए जो है ना वो आप घर बैठे मालूम कर सकती हैं कि आपको अमल जो है वो हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छा, आपने ये करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। लास्ट के 7 और 9 जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपने लाजमी देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। पहली अलामत ये है कि आपको जो है वो मॉर्निंग सिकनेस होगी, यानी कि आपको उल्टी और मतली की शिकायत हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना आपको किसी भी खाने की चीज़ों से जो है वो दिल का बोझल होना हो सकता है, ये भी प्रेगनेंसी की निशानी है कि आपके जो ये अर्ली सिम्टम्स में आते हैं। चक्कर आना, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चक्कर सा फील हो सकता है, आपको थकावट सी फील हो सकती है। इसके अलावा जो है ना आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, ये भी हमल ठहरने की निशानी है। आपके जो है वो यूरिनेशन यानी कि पेशाब की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो सकती है, यानी कि आपको बारहा जो है ना वो पेशाब लगेगा, तो ये भी जो है ना हमल ठहरने की निशानी है। ये एक प्रेशर होता है यूटरस के का ब्लडर के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो है ना शिकायत आती है। इसके अलावा जो है ना आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, यानी कि आपको बुखार सा सर्दी सा फील होगा। इसके अलावा जो है वो आपके सर में दर्द रहेगा, आप ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी, यानी कि सीने पे जो है वो खिंचाव रहेगा, सीने में दर्द रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलामत हैं कि आपके जो सीने में जो है ना वो दर्द रहेगा और खिंचाव रहेगा, ये हमल ठहरने की बड़ी निशानी है। इसके अलावा जो है ना आपको आपके पेट में दर्द रहेगा, स्लाइट सी स्पॉटिंग हो सकती है, ये इम्प्लांटेशन की निशानी, जब बच्चा जो है वो यूट्रस पे जुड़ता है तो फिर जो है ना लाइट सी स्पॉटिंग होती है, तो इस पे जो है वो पेट में दर्द भी रहेगा। लास्ट पॉइंट से पहले आपने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि प्रेगनेंसी जो हमल ठहराने के लिए आप कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पीरियड्स मिस होंगे जैसे ही आपके जो है वो महामारी का टाइम आगे निकल जाए, और उसके बाद फ़ौरन आपने जो है वो टेस्ट करना है। सो ये 10 बड़ी निशानियाँ हैं जो ख़वातीन को महामारी होने से 10 दिन पहले से, यानी कि 2 वीक्स से, लास्ट 2 वीक से जो है ना ये अलामात ज़ाहिर होते हैं और ये जो है वो हमल ठहरने की निशानी है। तो वो खवातीन जो हमल ठहराना चाहती हैं और बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुकी हैं, काफ़ी अरसों से परेशान हैं, तो वो जो है वो मेरी ये वाली वीडियो देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।